तुम्हारी जिंदगी में से परेशानी और दुख खत्म नहीं हो रहे, तो अपने विचारों को देखो, अपनी सोच पर गौर करो कि कहाँ तुम गलत हो। अपनी पीड़ा के लिए संसार को मत दोष दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता, वो कुछ भी नहीं बदल सकता। भीतर का ताला तो तुम्हें ही खोलना है। इस शरीर रूपी बर्तन को बाहर से कम अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, ये अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। अपने जीवन को सुधारने के लिए सत्संग का सहारा लो, ये दुखों को हरता है, पापों को काटता है और जीवन को सुधारता है। अपने मन में से नकारात्मक विचारों को निकालकर सकारात्मक विचार भरो। परिस्थिति कैसे भी हो, परेशानी हो जिंदगी में, सुबह उठते ही खुद से बोलो कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूँ। तुम्हारे सकारात्मक विचारों की तरंगे तुम्हारे जीवन में खुशियों को खींच कर ले आएंगी। सबसे ज्यादा तुम जानते हो अपने बारे में, अतः अपनी योग्यता स्वयं निर्धारित करो। तुम अपने कर्मों को भी देखो, क्योंकि तुम जिन कर्मों को चुनते हो, वही कर्म तुम्हें परिणाम देते हैं। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, आपका कर्म अवश्य लौटता है। फिर वो चाहे अच्छा हो या बुरा, कर्म का थप्पड़ इतना भयंकर और भारी होता है कि तुम्हारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरा ना करो। तुम कैसे भी हो, अगर भगवान की चर्चा करोगे तो इससे तुम्हारा मन शुद्ध और निर्मल हो जाएगा। इसलिए सत्संग सुना करो, सत्संग तुम्हारे जीवन को बदल देगा।